हेलो। ओहो, मिल गया अशोक जी। क्या हाल चाल, मैं ठीक हूँ जी, आप कौन? कैसे हो आप? कैसे हो? कल से बात करना चाह रहा हूँ आपसे। एक तो नंबर नहीं लगता आजकल, ये सिग्नल की बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, नहीं आप कौन बोल रहे हैं? प्रणय मैं ये प्रणय को जानते हो आप? प्रणय को हाँ जिनकी, जी, हाँ जी, हाँ जिन, तो मैं प्रणय का अंकल लगता हूँ। तो आपकी बात हो रही थी तो मैंने कहा वैसे तो अच्छा चलो अच्छा फैमिली अच्छा मैटर है। और बताइए क्या हाल चाल अशोक जी, सब बढ़िया? बस मैं ठीक हूँ जी, और अतुल के बताइए। रिश्ते के लिए आप पिछले हफ्ते गए थे, वो क्या क्या नाम है लड़की का, नीरजा, क्या रहा? नहीं गया था कि बस वो आ गए, वापस आ गए थे वापिस आ हम। गए? वहाँ हाँ, अच्छा वापिस आ गए, वो कुछ बात बनी हुई है उनके। बात बनी नहीं? लड़की तो मेरे को बताई किसी ने, अच्छी खासी लड़की थी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसको खाना नहीं बनाना आता ना, खाना वाना सब्जी वब्जी। ओहो, अच्छा, खाना नहीं बनाना था, पूछा आपने? हुई थी बात, वो खाना नहीं हाँ, बनाना नहीं आता नहीं नहीं उसको। तो फिर क्या किया आपने, मना कर दिया? ना हाँ तो मना ही करेंगे, जब नहीं नहीं खाना ठीक नहीं किया, बनाना ठीक किया आता तो ना, उसको। नहीं नहीं ठीक किया, ठीक किया। और क्योंकि वो ये भी चक्कर है ना, अभी तो शुरुआत है मेरे ख्याल से, दूसरी पहली दूसरी हाँ लड़की जी, देखने में क्या होता है, अभी तो जिंदगी पड़ी है। आइए आप अशोक जी, किसी दिन घर पे आइए, बैठ के बात करेंगे। नहीं आएंगे, जरूर आएंगे जी, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ मैंने आपका एड्रेस एड्रेस भी ले लिया है। मैं, आप घर पे रहते हो संडे? हाँ मैं घर पे ही होता जी। तो संडे एक मशीन आएगी, उसको उसको आप डिलीवर कर लो, उसको उसको एक्सेप्ट कर लेना, वो डिलीवरी के लिए आएगा संडे आपके पास ना। अच्छा, मशीन हाँ जी हाँ जी, क्या है वो, क्या किस चीज की मशीन है? मैंने भेजी है आपके लिए, मैंने भेजी है, अच्छी लगेगी आपको। नहीं भेजी तो है आपने, मुझे बताओ अरे नहीं, क्या मैंने है, क्या चीज हो? आज तक उसको दिया भी नहीं था आपके बेटे को कुछ, हालांकि मैं तो मिला भी नहीं हूँ, लेकिन आप उसको दे देना प्लीज। हाँ मैं, कोई बात नहीं, मुझे बता तो दीजिए, वो है क्या, मशीन अरे क्या नहीं, है? कुछ तो सरप्राइज भी रहने दो ना आप। आप एक बार उसको हाँ लेके ना जी, साइन कर देना कुरियर वाले को, मशीन के फीचर्स इतने अच्छे हैं। मैं देखते ही मैंने कहा ये अतुल के लिए चाहिए। अब इंसान को जैसे टॉयलेट लगी है तो पॉटी खुद करता हाँ है ना, पॉटी खुद करता है, तो वो मशीन ना खुद करवा लेगी उससे। अतुल को हिलने की जरूरत नहीं है, अतुल सिर्फ पीछे लगा ले, वो सारी पॉटी करवा देगी अतुल से, सारी सारी पॉटी। बॉडी। अरे क्या मशीन है ये, क्या बेवकूफी कर रहे हैं आप? अरे तो वो खुद क्यों करेगा यार, वो खुद कर। अच्छा सुनिए, उसका दूसरा फीचर ये है, जैसे अब मान लो अतुल को जाना है ऑफिस, तो वो एक कदम उठाएगा, उसमें ना नीचे छोटे छोटे बेरिंग लगे हुए होते हैं, और वो पटरे पे बैठ जाएगा, पटरे पे बैठ के ऐसे घसीटेगा ना, तो वो खुद उसको ऑफिस तक ले जाएगी। वो क्यों अपने पैर हिलाए भाई, क्यों पैर हिलाए? अरे दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मेरा नहीं दारू आपका, पी रखी है मेरा क्या नहीं ये? आपका, क्या मेरा नहीं आपका, मैं आपको बताता हूँ, ये दिमाग खराब आपका हो गया है। मैं नवीद बोल रहा हूँ, मुझे मेल मिला, आपने लड़की को मना कर दिया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि खाना बनाना नहीं आता, जबकि आपके बेटे को पसंद है वो। कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? अगर खाना बना, अगर आप ये उम्मीद नहीं रखते कि मेरा बेटा खाना कैसे बनाएगा जॉब करते हुए, तो फिर पॉटी क्यों कर रहा है वो खुद से, तो फिर पैर क्यों हिला रहा है खुद से? भाई साहब, ऐसा है जो आप बोल रहे हो ना, अपने देखिए रखिए बात। मैं अपने लड़के की शादी कहीं भी करूं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो लड़के की भी मर्जी क्यों नहीं मानते आप, कि वो खाना बनाए या ना बनाए उसकी मर्जी है। अगर आपको क्यों क्यों परेशानी होती है आपको कि लड़का अगर खाना बना ले जरा सा, या लड़की को खाना बनाना नहीं आता, होटल मारे गए वहां पे नहीं खा सकते, मिलके नहीं बना सकते? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है, आप जैसे लोगों से, आप लोग लड़की क्यों ढूंढते हैं, आप अपने घर के लिए बहू क्यों ढूंढते हैं? आप जैसे लोग वो सीधे जाके कुक के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते और साफ बोले ना कि हमें खाना बनवाना है? ये काय को ड्रामे करने, ये इस तरह के टंटे दिखाने कि हमें एक सुशील लड़की की जरूरत है। सुशील का मतलब सिर्फ खाना रह गया है क्या? अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपको कैसा लगे अगर लड़की वाले की तरफ से पूछा जाए कि बच्चे पाल लेगा लड़का? कभी सोचा है आपने, अगर आपकी जब खुद की शादी हो रही थी और आपकी वाइफ के बाप आपसे ये पूछते कि बेटा बच्चे पालने आते तुमसे, और फिर मना कर देते, क्या पागल हो गए हैं आप सब लोग? क्या सोचकर शादी करते हैं यार? एक काम करिए, लड़की मत देखिए, कहीं रेस्टोरेंट देखिए जाके, ठीक है? अच्छे से ढाबे से शादी कर दीजिए अपने बेटे की। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप अपना फोन रखिए। मुझे भी बकवास नहीं करनी आपसे, फोन रखिए, बाय।